राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 5 न्याय गारंटी किसानों के लिए लाई है और ये मैनिफेस्टो के अंदर में हमारे चिन्हित हैं और इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसका अवलोकन हम आज हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं, जिसे हम घर घर तक लेकर के जाएंगे, इसमें किसानों को GST को से मुक्त करना, MSP को कानूनी दर्जा देना, कृषि ऋण आयोग की स्थापना करना, PM फसल बीमा योजनाओं में कुछ बदलाव करना और आयात और निर्यात नीति के ऊपर में बदलाव करना, ये इसकी प्राथमिकताएं हैं। मैं आपको दिखा दूँ तो ये किसान न्याय गारंटी कांग्रेस के द्वारा पूरे किसानों और बागवानों को दी जा रही है प्रदेश भर। अगर बात की जिस तरह से आयोग की भी बात की है, किसान आयोग जी, तो क्या लगता है कितना बेनिफिट इससे जो है वो किसानों को मिलेगा? और अगर बात की जाए सेब के शुल्क को लेकर लगातार जो है वो सवाल उठाते रहे जी, तो अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनती तो किस तरह से राहत प्रदान की? देखिए, आपने सही कहा, आयात निर्यात को लेकर के हम हर बार ये सवाल बार बार उठाते रहे हैं, खास करके हिमाचल प्रदेश से सेब को लेकर के। केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से 15% का रियलिटी शुल्क इम्पोर्ट ड्यूटी के नाम पर हटा दिया और उसके बाद इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को 50% कर दिया, उससे बाहर से आने वाला सेब यहाँ पे सस्ते दामों पे मिलने लगा और जो हमारा सेब है उसे मार्केट्स नहीं मिली। हम ये चाहते हैं आने वाले समय में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम इम्पोर्ट की जो नीति है उसको चेंज करेंगे, हम अपने किसानों बागवानों को संरक्षण देंगे। उसके लिए आयोग की स्थापना भी होगी, जिस प्रकार कृषि में ऋण माफी को लेकर के आयोग बनेगा, उसी प्रकार आयात निर्यात की नीति को लेकर के भी आयोग बनेगा, जिससे कि ये हम देख लें कि हमारे अपने किसान बागवान जो हैं उनको हम सही मार्केट्स और सही दाम पहुँचा पाएँ, यही हमारी प्राथमिकता। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।